हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। कुछ टाइम पहले जब मूवी आई थी ये कश्मीर फाइल्स, उसके साथ ही आसपास एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था आरआरआर, और उसके थोड़े से टाइम के बाद एक मूवी रिलीज हुई थी केजीएफ चैप्टर टू। ये सारी मूवीज ही बैक टू बैक बहुत ज्यादा धमाल मचाई थी, इनको पब्लिक का प्यार बहुत ज्यादा मिला था। स्पेसिफिकली आरआरआर के जो स्पेसिफिकली लास्ट सीन था जिसके अंदर रामचरण ने लिटरली राम की छवि दिखा दी थी, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और इंटरनेशनली ये जहां जहां भी रिलीज हुआ है ये सीन बहुत ज्यादा बड़ा धमाका मचा है, लोगों ने इसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। और लोगों का ये मानना चाहिए मूवी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही पेपर थिन हो, चाहे वो कुछ लोग उसको रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो लोग बोलें कि यार ये तो बहुत ही मिनिस्कुल सा आइडिया है, लेकिन उन्होंने बोला जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इतना ड्रामा और इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से जो शो केस है राजा मौली का, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। US में रिलीज हुई और UK में रिलीज हुई, और उसके बाद अब जो ये रिलीज हुई है जापान के अंदर, तो क्या ये साहू जिसने काफी अच्छा रन किया था और उसके बाद बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, यही आज की कॉन्वर्सेशन होने वाली है। तो साहू ने जो पहले कलेक्ट किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मूवी यहाँ नहीं चली, 12.5 करोड़ रुपए उसने कलेक्ट किया। और उसके बाद बाहुबली ने जो कलेक्ट किया वो था करीबन 16.5 करोड़, बाहुबली 2 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और बाहुबली 2 खुद राजा मौली की मूवी थी। तो आरआरआर को क्या रिस्पांस मिल रहा है, आज तक का जो टोटल है वो करीबन हो गया 5.75 करोड़, विच इज लेसर देन साहू, विच इज लेसर देन बाहुबली 2। रिस्पांस अच्छा मिला है 5 करोड़ रुपए का, 5.5 करोड़ रुपए से उठ के 6 करोड़ रुपए आज हो गया है। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है और नेक्स्ट वीक के साथ ही साथ और ज्यादा मूवीज वहां रिलीज हो जाएंगी, तो इसका बहुत बड़ा धमाका मचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद उसका रिकॉर्ड तोड़ने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होगी, यानी कि सक्सेसफुल नहीं होगी, बट फिर भी इसका रिस्पांस ठीक ठाक था। तो आपको क्या लगता है कि आरआरआर क्या साहू का एटलीस्ट या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, कमेंट करके फटाफट से बताओ। बाय बाय।